सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा, आज हम जानेंगे आपकी विदेश यात्रा के बारे में। हमने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, पर आज जो इस हाथ में रेखाएं हैं वो आपको बताती हैं आपकी विदेश में पक्के होने के चांसेस के बारे में और साथ ही साथ विदेश से खूब सारा पैसा कमाने के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं वो रेखाएं कौन सी हैं, कहाँ होती हैं, क्या पता आपके या आपके किसी करीबी के हाथ में हो, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर तरीके से जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। जरूरी सूचना, अगर आपको कोई कमेंट्स में अपना नंबर दे रहा है कंसल्ट करने के लिए तो कृपया ना करें, क्योंकि हमसे कंसल्ट करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाकर आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं, पर याद रखिएगा कंसल्टेशन पेड है। और इसी के साथ, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके विदेश में पक्के होने के चांसेस कौन सी रेखा दिखाती है। तो जानने के लिए देखिए अपनी लाइफलाइन को, जी हाँ, जिसे जीवन रेखा भी कह देते हैं, और जहाँ ये ख़त्म होती है वो होता है केतु का पर्वत। जी हाँ, इस वाले एरिया में होता है केतु का पर्वत। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगी एक रेखा इसमें से डिवाइड होके केतु पर्वत को कवर कर रही है। आप क्लियर देख सकते हैं इस तरीके से। पर अगर यही रेखा जो बाहर की ओर निकली है, अगर इसके ओपोजिट डायरेक्शन मतलब अंदर की ओर निकलती, मतलब लाइफ लाइन तो ये है पर इसके अंदर की ओर निकलती, तो आप विदेश तो जाते, वहाँ पर पैसा भी कमाते, पर वतन वापसी जरूर होती। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर ये रेखा केतु पर्वत को कवर कर रही है, बाहर की ओर निकल रही है लाइफ लाइन से डिवाइड होकर। तो ये सीधा सीधा संकेत है दोस्तों कि आप विदेश जाएंगे और आप वहाँ पर अपनी परमानेंट सेटलमेंट कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप विदेश जा रहे हैं तो आपके कई मकसद हो सकते हैं, या तो आप स्टडी करने जा रहे हैं, या फिर सिर्फ घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, या फिर कुछ लोग धन कमाने के लिए जाते हैं। धन प्राप्ति होनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे वो जॉब से हो। अब हम ये कैसे जानेंगे कि हमारे जीवन में विदेश से धन लाभ है या नहीं, तो वो जानने के लिए आपको देखना होगा अपना चंद्र पर्वत। जी हाँ, चंद्र पर्वत और आपका शनि पर्वत। जी हाँ, यहाँ से हम बड़े ही आराम से जान सकते हैं वो कैसे। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको इस हाथ में एक रेखा नज़र आएगी जो जा रही है शनि पर्वत की ओर, और बिल्कुल क्लियर है, बीच में से टूटी फूटी नहीं है, या फिर कोई और रेखा इसमें से डिवाइड होकर बाहर नहीं निकल रही। जी नहीं, इस प्रकार से रेखा बहुत ही कम देखी गई है लोगों के हाथ में। तो दोस्तों, यही है वो रेखा जो बनाती है आपके जीवन में विदेश से धन लाभ का योग, और वो भी अच्छा खासा योग जो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। तो अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आपको जैसे कि बताया, एक तो लाइफ लाइन से परमानेंट सेटलमेंट हो गई, और ऊपर से आपकी यहाँ पर विदेश से धन लाभ कमाने की रेखा भी है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ये दो निशान एक हाथ में होना बहुत रेयर बात है। किसी किसी के हाथ में सिर्फ यही वाली रेखा होती है, कई बार ये भी नहीं होती, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, कई बार सिर्फ यही वाली रेखा होती है जो सिर्फ धन कमाने के लिए होती है। तो हो सकता है आपके हाथ में इनमें से कोई भी रेखा या निशान हो, या फिर दोनों ही हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि अगर आपके हाथ में इनमें से कोई भी रेखा बनती है तो आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आपने लंबे समय से अपने जीवन में ये इच्छा रखी हुई है कि आपको विदेश जाना है, परमानेंट सेटलमेंट करनी है, खूब सारा पैसा कमाना है, तो यहाँ पर इनमें से ये रेखाएँ आपके जीवन में योग बनाती हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये सब हमारे जीवन में कब तक पॉसिबल हो पाएगा, तो इसको समझने के लिए आपको अपनी 20 साल की उम्र पर जाना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपने अपनी स्टडी के समय में ही, मतलब आप चाहे स्कूल में हैं चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस समय से ही इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, स्टडी करना शुरू कर दिया विदेश जाने के बारे में, या फिर किसी के साथ कॉन्टैक्ट है, कहने का भाव ये है कि इसके बारे में आपने पता करना शुरू कर दिया कि कैसे जाया जाता है, क्या करना चाहिए, आगे क्या क्या प्रोसेस है, तो आपको बता दें दोस्तों, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा 20 से 30 साल की उम्र के बीच बीच में।
जी हाँ, जो ये 10 साल हैं इनमें आपके पास अच्छे खासे मौके होंगे। अगर आपका दृढ़ निश्चय है, आपको विश्वास है अपनी मेहनत पे, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं विदेश जाने के बारे में सभी पूरी होंगी। चाहे वो विदेश में परमानेंट सेटलमेंट हो, चाहे वो वहां से खूब सारा पैसा कमाना हो, और इसी के साथ विदेश में जाने का मौका। और इसी के साथ अगर आपके जीवन में है कोई और समस्या, जानना चाहते हैं हस्तरेखा से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और रिप्लाई बटन पर क्लिक करके आप हमारी हस्तरेखा वाली प्लेलिस्ट विजिट करें, वहां अपने सवाल के रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां विदेश रेखा के रिलेटेड, और यहां पर आपके साथ सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। और मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।